25 जून की देर रात को जब से मानसून ने प्रदेश में एंट्री की है तब से मानसून लगातार सक्रिय है। जी हाँ, गति धीमी होने के कारण प्रदेश को कवर करने में 1 सप्ताह का समय लगा, लेकिन बादलों ने बरसने में कोई कंजूसी नहीं की। कल मंगलवार को कई जिलों में तेज बारिश हुई और आज बुधवार को भी प्रदेश के 19 जिलों में बारिश का अलर्ट जो है जारी किया गया। आपको बता दें कि गुरुवार को भी 11 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक शुक्रवार से 3 दिन के लिए मानसून की रफ्तार धीमी होने की संभावना जताई गई है। तो मानसून की जो है ट्रफ लाइन जो जयपुर और शेखावटी से होकर गुजरने वाली थी उसका रास्ता थोड़ा जो है अब बदल चुका है। अब यह जो है ट्रफ लाइन दक्षिण राजस्थान से गुजर रही है। तो राजस्थान में मंगलवार को मानसून की गतिविधियों में कुछ कमी नजर आई और कुछ जगहों को छोड़कर अधिकांश जिलों में कहीं रिमझिम तो कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। राजधानी जयपुर में कुछ इलाकों में सुबह रिमझिम बारिश हुई और बीते 24 घंटों में राज्य में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम बारिश हुई। जयपुर एवं सवाईमाधोपुर जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा हुई और वह पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश जयपुर में करीब 1 इंच, जयपुर के ही कालवार में 93 mm और सांभर में 78 mm और सवाईमाधोपुर के मलारना में 85 mm और चौथ का बरवाड़ा में 69 mm और पश्चिमी राजस्थान की मेड़ता नागौर में 57 mm बारिश दर्ज की गई। राजस्थान में मंगलवार को सबसे अधिक तापमान जैसलमेर में 43 डिग्री रहा और बीकानेर में 40.4, फलौदी में 40.2 और पिलानी में 40.7 डिग्री और अजमेर की बात करें तो 38.4 और कोटा में 36 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं राजधानी जयपुर में दिन का तापमान 34 डिग्री और बीती रात का तापमान 25 डिग्री जो है दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार मानसून जो है ट्रफ लाइन दक्षिणी राजस्थान से होकर गुजर रही है। इसके प्रभाव से 10 जुलाई को दक्षिणी व पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां होने और कहीं कहीं भारी बारिश वर्षा होने की संभावना जताई गई है। वहीं 11 जुलाई को मानसून ट्रफ लाइन के हिमालय की ओर शिफ्ट होने से भारी बारिश की गतिविधियों में कमी होने की संभावना है। इस दौरान भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश और शेष भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो साथ में 12 और 13 जुलाई के दौरान केवल छुटपुट स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने के तथा अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क होने की संभावना है।